रहना चाहिए। तावरा में कौन सी दवा? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। राइट, सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बड़े ही एनर्जेटिक होंगे। जिस प्रकार यूपीएससी ने सीसैट ही नहीं कंप्लीट प्रीलिम्स के ट्रेंड को चेंज किया है, राइट, उसको देखते हुए हम लोगों ने इस सेशंस की शुरुआत किया है। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, राइट, है ना। आज मैं इसमें आपको सीसैट का कंप्लीट सिलेबस भी आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछना चाह रही है और हमें कितना डिटेल में इस टॉपिक को कवर करना है, राइट। आइए, ज़्यादा टाइम नहीं है, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी अच्छे तरीके से। आज ये रीजनिंग का पहला लेक्चर है, रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर टोटल 16 है। आज रीजनिंग होगा, फिर कल नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा था वो, फिर उसके अगले दिन रीजनिंग, या दो दिन रीजनिंग फिर उसके अगले दिन, फिर ताकि कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सको। मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे आप लोगों के डिमांड पे मैं हिंदी मीडियम में भी आपको सीसैट पढ़ाने यहाँ पे आया हूँ। ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैप्पी हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग सेशंस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, सभी लोग खुश रहें। एक बार सेशंस की शुरुआत करने से पहले अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। टोटल 333 बच्चों का सिलेक्शन यूपीएससी में इस साल अनअकैडमी से, जहाँ पे हम जैसे इंग्लिश मीडियम के टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे ये जुलाई एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ्स आपको फ्री मिलता है, या अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री मिलता। उसी प्रकार आपको ज्वाइन करने का आपका प्लान है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। यू हैव टू यूज देयर रेफरल कोड SKS10 और आप अपने सपनों में जो आईएएस बनने वाली चीज़ों को जो ठान रखे हो, राइट। आवाज़ सबको आ रही है ना? आवाज़ सबको आ रही है भाई? ये क्लास का टाइमिंग मैं 4 PM करना चाहता हूँ, 4 PM करना चाहता हूँ, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, राइट, है ना। रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है। अगर आप अनअकैडमी पे, अगर आप इंटरव्यू के स्टेजेस तक अगर आप पहुंच जाते हो अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेने पे, 2 साल या 2 साल ऊपर के सब्सक्रिप्शन एडमिशन लेने पे, तो आपको अनअकैडमी प्रीलिम्स चाहे मेंस चाहे इंटरव्यू तक जब आप पहुंच जाते हो तो आपको फुल्ली फी रिफंड कर देती है। आपको कोड यूज करना है SKS10 रेफरल कोड। ये प्रतिज्ञा बैच है अनअकैडमी से, ये जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सभी इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट और भी आपको मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कोई भी आप EMI भी दे सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 0% इंटरेस्ट पे है, मात्र केवल 4,364 रुपये पर मंथ 2 साल से अधिक के सब्सक्रिप्शन पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और रेफरल कोड SKS10 आपका ऑप्शनल क्या है, मैं बहुत जानने के आपके लिए यहाँ पे उत्सुक हूँ। व्हाट इज योर ऑप्शनल? ऑप्शनल के साथ साथ आपका जो है सभी बच्चों का, आप किस स्टेट से बात कर रहे हो? क्या आप, वेरी गुड सर, आप बताओ, वेरी गुड सर, टाइमिंग 3 PM कर दीजिए, हैं 3 PM, हाँ अच्छा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूल झा हिस्ट्री, चले ठीक है, 3 PM नहीं कर सकता, 3 PM देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो 9 जुलाई को होने वाला है सुबह के 11 बजे, इस कॉम्बैट का एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट, है ना। अनअकैडमी पे आप लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, है ना,
आप अपने ऑल इंडिया रैंक को जान सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको सभी क्वेश्चंस को मिलेगा और 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे मान लो, जैसे मान लो 60,000 का कोई सब्सक्रिप्शन या 1,00,000 का है तो 90,000 के छूट आपको 10,000 रुपये मिलेगा। आप इसको, आप अभी इस कॉम्बैट के लिंक को टाइम को अपने आप या सीट को लॉक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ पे आप मेरे कोड को यूज करके, रेफरल कोड SKS10 कोड और को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बहुत कम टाइम है बाकी। दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी माय डियर फ्रेंड्स एंड माय नेम इज संजय कुमार साहब। बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार से SSM सर या SSM फंडा के नाम से भी जानते हैं। आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली, करीब 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप, जितनी भी दिल्ली में ब्रांडेड कोचिंग सेंटर्स आप समझते हो या टॉप प्रोमिनेंट, लगभग सभी में पढ़ा चुका हूँ। लास्ट 4 साल से मैं अनअकैडमी के साथ कनेक्टेड हूँ। 2,00,000 से अधिक बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, राइट। 1,000 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल को आपको पता ही है। चलिए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? इफ़ यू आर रियली रेडी देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर मैं रेडी हूँ, मेरे अंदर है मेहनत करने का हुनर और मैं ज़रूर बनना चाहता हूँ IAS या IPS ऑफिसर। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी लोग मुझे सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए। प्रियंका, एग्ज़ाम कब दोगे? बुद्धा, तुम्हें प्रियंका से क्या मतलब है? UPSC किंग सर, डेली क्लास लिया करें। वैशाली वर्मा, मैंने डेली क्लास मैं ज़रूर लूँगा अगर आप रेगुलर लाइव आओगे। जब तक आप के अंदर जो अभी मैं जोश, जुनून और जज्बा देख रहा हूँ, यही अगर बना रहा तो मैं आपकी क्लास रेगुलर आऊँगा। हो सकता है दिन में कि एक, हो सकता है संडे के अलावा किसी दिन ऑफ ना हो, या उस भी दिन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, वैसे ही मुझे आपका भी मिल रहा है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप सभी के लिए कि मैं रेगुलर लाइव आऊँ। कल भी लिया था क्लास, से कैमरे में इशू था तब भी लिया था, आज भी ले रहा हूँ और कल भी क्लास होगी। बस ऐसे ही चिपक के बैठ रही सर, ओनली यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, क्लियर कर सकती हूँ ना? आरती शर्मा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों नहीं कर सकती हूँ? ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकती हूँ, राइट। जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए, राइट, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक बार मैं सभी को, क्या आपको ये ब्लॉक 1 एक्चुअली एक थोड़ा सा ये मतलब कि अच्छे तरीके से ये कवर नहीं हो पाया, राइट, है ना? मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, रीजनिंग का, राइट, है ना, कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें अच्छे तरीके से हमें कवर करना है CSAT को लेकर के। देखिए ये रीजनिंग का ये सिलेबस है, राइट, है ना? रीजनिंग में आपको ये लेक्चर मिलेंगे, राइट, ये लेक्चर मिलेंगे और इन्हीं लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, राइट, है ना? ब्लॉक 1 आपका ब्लड रिलेशन है, राइट, इस पे आपको सेशन केवल 3 मिलेंगे, राइट, है ना? ब्लड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे सेशन आपको 2 मिलेगा। रैंकिंग है, फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आपका थोड़ा बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बाकी CSAT ब्लॉक 1 रीजनिंग ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सभी के लिए होगा, राइट। उसके बाद ब्लॉक 2 में जो है आपका सिलोलिज्म है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 5 होंगे। इस बार सिलोलिज्म से क्वेश्चन नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ आपकी दुख, दर्द और पीड़ा, ओके। पिछली बार अगली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ज़रूर सिलोलिज्म ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट, ओके। तो आराम से बैठ के पढ़िए, ज़रूर आएगा, राइट, ओके। बेटा इसको नोट डाउन कर दो, नोटबुक है सबके पास, सबके पास पेन होना चाहिए, राइट, है ना? डाइस की क्लासेस, फिर वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, नंबर ऑफ सेशन, पजल हो गया, राइट, CSAT ब्लॉक, राइट। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड क्यूब वाइड हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, सीरीज हो गया, एंड ये CSAT ऑल इंडिया। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपने नोट डाउन कर लिया, तो स्क्रीन शॉट ले लिया, तो प्लीज़ आप हमें इस रेफरल कोड को मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है रेनू, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, CSAT स्पेस बाय संजय कुमार साह सर्च करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राइट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताओ कि मैं किस ब्लॉक से आपका सेशन स्टार्ट करूँ।
फ्रॉम विच ब्लॉक यू वॉन्ट टू ब्लॉक फ्रॉम स्टार्ट वन, ब्लॉक फ्रॉम टू या ब्लॉक थ्री से आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि इस बार ब्लॉक थ्री से क्वेश्चंस आए थे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बाकी ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. राइट ओके, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए किससे करूँ, ब्लॉक वन से या ब्लॉक टू से या ब्लॉक थ्री से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर. डॉक्टर मैथ का इसका इतना नहीं है सर, इसका इतना नहीं है. ब्लॉक थ्री, चलिए बहुत सारे बच्चों का फूली झा भी ब्लॉक थ्री कह रही है, ब्लड रिलेशन लक्ष्मी कह रही है, ट्रिपल वन, सीमा सेन 333, सभी लोग ब्लॉक थ्री कह रहे हैं. ठीक है, मैं ब्लॉक थ्री से ही स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, ब्लॉक थ्री. हालांकि एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें से किसी भी टॉपिक को अगर आपको यूट्यूब पे देखना हो तो मेरी पुरानी वीडियो अवेलेबल है, पहले के एग्ज़ाम के 2023 से 2022 के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार. जैसे आप ब्लड रिलेशन का देखना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, ब्लड रिलेशन बाई संजय कुमार शाह. राइट, खैर मैं यहाँ पे क्लॉक थ्री से स्टार्ट्स कर, ब्लॉक थ्री से स्टार्ट्स कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे ब्लॉक थ्री से कहना चाह रहे हैं. ठीक है, चलो आराम से पढ़ना. राइट, है ना, चिपक के बैठना, कोई नहीं फरफराना, फरफराओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा. राइट, है ना, चलो आराम से लिखिए सभी लोग. रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग ब्लॉक थ्री, रीजनिंग ब्लॉक थ्री, रीजनिंग ब्लॉक थ्री. राइट, रीजनिंग ब्लॉक थ्री, रीजनिंग ब्लॉक थ्री. कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा. ठीक है, एक सेकंड, ये ढोकल लोलो सब जो है ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. तो ऐसे यूपीएससी के बच्चे होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा है बाकी. ओके, आराम से पढ़ो ना यार. रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में लेक्चर वन. अच्छा एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. बस बस बस, प्लीज़ 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 माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, मेरा क्लास हो. चलो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, रीजनिंग लेक्चर वन. राइट, है ना, आप लोग तब तक इस सेशन में. राइट, यहाँ पर आप जो है ना इस प्रकार, एक होता है आपका ए बी सी और डी. टॉपिक का नेम तो मैंने लिखा ही नहीं, कोडिंग एंड डिकोडिंग. देखो अगर आपके एग्जाम में, है ना, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग लिख दिया, ठीक है, रीजनिंग लिख दिया, तो आप ध्यान रखना, रीजनिंग लिखने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, चाहे टफ आए, चाहे आसान आए, चाहे सिंपल आए, लेकिन आना तो है ही. आपने देखा होगा हर एक एग्ज़ाम में, रीजनिंग में चाहे इस बार भी आपने देखा किस प्रकार का पैटर्न था. हो सकता है रीजनिंग में अलग टॉपिक से क्वेश्चंस ना आया हो, लेकिन रीजनिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आया ही था. इज इट क्लियर? राइट, है ना. तो सबसे पहली बात एक होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप पहली बात तो आपको रीजनिंग के टॉपिक को अगर आपको सॉल्व करना है, राइट, है ना, अगर आपको सॉल्व करना है, राइट, है ना, तो इसका मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ पहले, है ना. बेसिक्स फॉलो करना, नो ट्रिक, नो ट्रिक, है ना, कोई ट्रिक विक फॉलो मत करना. राइट, सॉल्व करने का जो बेसिक्स, जो तरीका है, जो सॉल्विंग टेक्निक है, जो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे, जो सॉल्विंग टेक्निक है वो क्या है, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चंस हो, राइट, है ना, आप उस अल्फ़ाबेट का, राइट, है ना, आप उस अल्फ़ाबेट की आप रैंकिंग को लिखिए. क्या लिखिए? आप उस अल्फ़ाबेट की रैंकिंग को लिखते हैं, चाहे एनालॉगी से क्वेश्चन हो, चाहे अपोजिट से क्वेश्चन हो, कैसा भी हो. राइट, एक एक हर एक लेवल के. सर बफरिंग हो रहा है, बहुत बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है ना, हाँ देखो आराम से ध्यान से देखना. राइट, है ना, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो ए बी सी डी, है ना,
फर्स्ट लेक्चर है ई एफ जी एच, मेरे साथ लिखते चलो, आई जे के, आराम से लिखो क्लास में। इस क्लास को करने के बाद आपको घर पे प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाऊंगा सारा याद आपको क्लास में ही करा दूंगा, राइट है ना। और इसकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, राइट, क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, राइट, नॉर्मल तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं, राइट, जैसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, राइट है ना। तो ए की रैंकिंग क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, एक, बी की रैंकिंग टू, सी की रैंकिंग थ्री, इसकी चार, इसकी पाँच, इसकी छः, इसकी सात, इसकी आठ, इसकी नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ओके। अब देखो ध्यान से, सभी लोग सेशंस को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। इज इट क्लियर, यस एंड नो, यस एंड राइट, इज इट क्लियर, यस राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, राइट। अब देखो ध्यान से, देखो आराम से, देखो जैसे कि ए की रैंकिंग वन है, बी की टू है, सी की थ्री है, डी की फोर है, ई की फाइव है, राइट है ना। ऐसा हम सभी को क्वेश्चन आए तो हमें पहले, जैसे कहीं अगर एम लिखा है तो एम को आप 13 लिखना, एन लिखा है तो 14। मैं आपने बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जगह आपने, बहुत सारी जगह क्लासेस आपने अटेंड किया होगा। एक तो याद ऐसे कर सकते हैं, याद ऐसे कर सकते हैं जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, राइट है ना। अल्फ़ाबेट की अगर आपको रैंकिंग याद करनी है, रैंकिंग अगर आपको याद करनी है, एक ऐसे, एक तो ये तरीका है कि ई जो ती, राइट, ई की रैंकिंग कितना होगा 5, जे का कितना होगा 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा, ठीक है, 5 का पहाड़ा, एग्जांपल भी दूंगा, राइट, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 25, इसके बीच का, जैसे ई के बाद एफ होगा तो 5 के बाद 6 होगा, जे से पहले आई होगा तो 10 के से पहले क्या होगा 9 होगा, ओ के बाद पी तो 15 के बाद 6। ये तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट है ना। एक मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, राइट है ना। सर क्या मैं 2027 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए और शेयर कीजिए, राइट हैंड, आराम से देखो, आराम से, आराम से देखो, आराम से, राइट, देखो। अब देखो जैसे कि मान लो आप सभी किस किस ने T20 का मैच देखा है, किस किस ने T20 का मैच देखा है, राइट, तो आपको पता है टी की रैंकिंग 20 है, T20, इसको याद कैसे करेंगे, T20 मैच, राइट, T20 मैच है ना। अच्छा, G7 सम्मेलन के बारे में नाम सुना है, G7 का सम्मेलन, राइट है ना। ये रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है, ये रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है, सभी लोग आराम से कनेक्ट रहो। G7, तो जी की रैंकिंग क्या होगी 7, तो G7 को G7 सम्मेलन से आप याद रखो, G की रैंकिंग 7, जी सम्मेलन को G7 से याद करो, राइट है ना। उसके बाद माई डियर फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से आप समझिए, राइट, ओके। जैसे कि मान लो T20 IPL में, IPL में कौन सी प्रीति जिंटा की टीम का क्या नाम है मुझे बताओ। IPL में कोडिंग डिकोडिंग का बेटा फर्स्ट क्लास है, आराम से पढ़ो, फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे पढ़ो, राइट है ना। प्रीति जिंटा की टीम, प्रीति जिंटा जो है किस टीम की मालिक है, प्रीति जिंटा किस टीम की मालिक है ये आप मुझे बताइए, प्रीति जिंटा किस टीम की मालिक है, किस टीम की मालिकी ने, नो बता, किंग्स इलेवन, यस श्रीकांत, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, जियो मेरे से, राइट है ना। इसका मतलब है आपका के की रैंकिंग क्या होगी 11, इसको याद कैसे रखेंगे, किंग्स इलेवन, राइट, किंग्स इलेवन। देखो कुछ चीज़ें जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, राइट है ना, ओके। उसके बाद माई डियर फ्रेंड्स, एम की रैंकिंग 13 होती है, जैसे एम की रैंकिंग 13 होती है तो एम को आप कह सकते हो मैं, एम फॉर मैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं 13, राइट, तो इसको आप बोल सकते हो मैं तेरा, यानी एम तेरा, मैं तेरा हीरो, तू मेरी, मैं तेरा, एम तेरा, एम तेरा, एम तेरा, हाँ, क्लास रोज होगी, क्लास
रोज होगी, राइट, क्लास रोज होगी, ओके। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जियो का सिम कौन यूज करता है, किसके किसके पास जियो का सिम है, हाँ किसके पास जियो की सिम है ये मुझे बताओ कुछ। वेरी गुड वेरी गुड, मंटू वेरी गुड। जीरो जियो की सिम किसके किसके पास है आपको पता है? जे की जो रैंकिंग है ये 10 है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे जियो, जियो से। तो जियो में देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो ये आपका जियो हो जाएगा, राइट, ये आपका जियो हो जाएगा, राइट, ओके। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद है, आप इसको याद रख सकते हो रा आर, आर का मतलब, आर की रैंकिंग 18 है, राइट, तो आर का मतलब होता है राइट टू वोट। आप इसको आर फॉर राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, राइट, है ना, राइट टू ड्राइविंग लाइसेंस, राइट। अच्छा राइट टू मैरिज क्या है, मैरिज शादी करने की एज क्या है? एक बार सर ये याद हो जाता है बट अपोजिट वर्ड्स याद नहीं होता। अपराजिता आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, थोड़ा सा राइट, है ना, पेशेंस रखिए, आपको अपोजिट वर्ड भी आज क्लास में करा दूंगा, राइट, है ना, अपोजिट वर्ड भी आज आपको क्लास में ही करा दूंगा, राइट, है ना। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मुझे बताओ, एक तो इतनी बात याद हो गई, राइट, है ना, अभी मैं और दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो, राइट, जैसे एच है, क्या है ये एच है, राइट, तो एच की रैंकिंग 8 है, तो हाइट, एच को आप कैसे करते हो, जैसे हाइट, एच ई आई जी एच टी हाइट, एच फॉर हाइट, तो एच इक्वल टू एच की रैंकिंग 8, एच 8, एच की रैंकिंग 8, ये ध्यान रखिएगा, एन एच 8 समझ सकते हो, एच 8, हाइट 8, राइट, हाइट 8, राइट, ओके, इतनी बात आप ध्यान से समझना, राइट, है ना। उसके बाद जब आप आईएएस बन गए, अब छोटी सी मैं कुछ बात बताता हूँ, राइट, मान लो आप आईएएस बन गए, ठीक है, और आपका मन कर गया शाम को मार्केट में घूमने का, ठीक है, तो आप घूमते घूमते गए, ठीक है, तो जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपका किसी के साथ क्या था, ए फॉर कुछ था, राइट, है ना, वो आपको देख रही है, आपको अपनी बीवी के सामने, और कुछ बोल रही है, क्या, हेलो एवरीवन, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, इसका मतलब क्या है, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स, राइट। आरती शर्मा कह रहा है सर ये बहुत बोरिंग लग रहा है, अभी बोरिंग कैसे लाएगा, हैं, जब तक बोरिंग लगेगा तभी तो ऐसे एग्जाम तुमको बोरिंग लग रहा है, ठीक है। देखो आई नो यू, तो आई की रैंकिंग है, नो का मतलब आप ऐसा वाला समझो, नो या नो, यानी आई की रैंकिंग आपकी 9 है, राइट, इस यू का मतलब आपका यू है, ठीक है, और इस यू का मतलब आपका 21, यानी आई की रैंकिंग 9 और यू की रैंकिंग 21, राइट। उसी प्रकार वी, वी की रैंकिंग 22, वी 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 का मतलब हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, कुछ ऐसी चीज है जिसको याद रखना, मैं जानती हूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आराम से पढ़ो आराम से, राइट, आई डोंट लाइक सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ओके, आराम से समझिए, ठीक है, इसको नोट डाउन किया सब लोगों ने, इसमें और भी चीज़ें होती रहेंगी ना तो मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखो जैसे M के बाद 13 है, राइट, M के बाद 13 है, तो M का नहीं पता, तो M के बाद N, N कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, इस पॉइंट से जैसे Q, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन Q की रैंकिंग कितनी होगी 17, तो ऐसे भी क्वारंटाइन कितने टाइम के होता था 14 डेज के, लेकिन बाद में ऐसा समझा करो, राइट, इस तरीके से छोटा छोटा चीज़ है जो आपके दिमाग में थोड़ा क्विकली आएगा और बहुत ही जल्दी तरीके से आप इसको थोड़ा हिट कर सकते हो, राइट, है ना, राइट, हिटली कर सकते हो, आई की रैंकिंग 9 हो गया, राइट, है ना। अब देखो स्टार्टिंग का ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी तक तो आपको पता है 4, ई का आपका 5 हो जाएगा, एफ का आपका 6 हो जाएगा, राइट, है ना। अब देखो भी तक क्लियर है, भी तक क्लियर है, राइट, है ना। फिर देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24 और डब्ल्यू का 23, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इंटरेस्टिंग था वो मैंने आपको बता दिया ताकि आप इसके बिहाव पे आप अच्छे तरीके से, राइट, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, राइट, इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखो अब मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, राइट, है ना, सभी मुझे बताना, राइट, है ना, एफ की रैंकिंग क्या है, एफ की रैंकिंग क्या है, आर की रैंकिंग क्या है, टी की रैंकिंग क्या है, राइट, टी की रैंकिंग क्या है, टी की रैंकिंग क्या है, Y की रैंकिंग क्या है, फटाफट मुझे आप रैंकिंग बताना, राइट, S की रैंकिंग क्या है, I की रैंकिंग क्या है, I की रैंकिंग क्या है, ओके, G की रैंकिंग क्या है, फटाफट मुझे बताना, राइट, ओके, उसके बाद G की रैंकिंग फिर हो गया,
फिर आपको मैं बता रहा हूँ एन की रैंकिंग क्या है, राइट, एन की रैंकिंग क्या है, उसके बाद क्यू की रैंकिंग क्या है, जे की रैंकिंग क्या है, फटाफट मुझे बताओ, आराम से किए, एक बार रिवाइज भी करते चलो, देखते भी चलो। यस, जी को रैंकिंग कैसे रखोगे, G7, 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 गुड़िया, वेरी गुड, राइट, G7, जी की रैंकिंग G7, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट भी क्या करो, G7, राइट, हाँ, वेरी गुड। एफ का कितना होगा, एफ का 6 होगा, आर राइट टू वोट 18 आएगा, T20 का मैच है, राइट, T20 का मैच है। के की रैंकिंग क्या होगी, Y का 25 होगा। अब देखो S का मैंने आपको नहीं बताया, तो T की 20 है, तो T से पहले S है, तो S का कितना हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा। आराम से करो, आराम से, राइट, धीरे धीरे करो, आपको सब समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा लेकिन आएगा बहुत ही धीरे धीरे, राइट। इस तरीके से आप थोड़ा सा आप रैंकिंग को आप अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो, राइट, है ना, थोड़ा सा आप अपने रैंकिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राइट। ये सभी चीज़ सारी PDF आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, csat/by/sanjay-kumar-sah, आप इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, csat/by/sanjay-kumar-sah, csat/by/sanjay, इसको टेलीग्राम को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, आराम से देखो, अब देखो कुछ जो है आपका अपोजिट लेटर है, राइट, है ना, अपोजिट लेटर, राइट, विपरीत अक्षर, लेटर को अक्षर ही कहते हैं ना हिंदी मीडियम में, ठीक है, अपोजिट लेटर, ये आपको याद नहीं हो रहा था, राइट, ये आपको याद नहीं हो रहा था, नहीं, ये नहीं आपको याद हो रहा था, देखो इसको इस तरीके से लिखो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, राइट, एफ जी दिख रहा है आपको, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आराम से देखो, आराम से, राइट, एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई और जेड, आराम से देखिए, ठीक है, आराम से देखिए, राइट, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब देखो इसको, इसकी बात बताता हूँ, जैसे आपको पता था, अभी मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ए की रैंकिंग 1 है और जेड की रैंकिंग 26 है, तो 26 प्लस 1 करोगे तो इसका और इसका सम जो है ना आपका कितना आएगा 20। जब भी विपरीत अक्षर यानी अपोजिट लेटर पूछे तो इसका सम यानी कि इसका जो योग होगा इसका कितना होगा, वो आपका हमेशा और हमेशा 27 होगा, हमेशा और हमेशा 27 आएगा, राइट। देखो जैसे मेरे प्यार, जैसे आपको पता है कि सर जी की रैंकिंग 7 है और टी की रैंकिंग कितनी है 20 है, तो जी की रैंकिंग 7 और 20 + 27 और 7 और 20 को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई इधर से ए बी सी डी से जी का रैंकिंग 7 हो रहा है, राइट, है ना। अगर आप अपोजिट चेक करोगे, राइट, है ना, अगर आप अपोजिट चेक करोगे इधर से देखो जी है ना, इधर साइड, इधर से अपोजिट चेक करोगे तो जी की रैंकिंग 20 आएगी। मैं थोड़ी देर आपको बता, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राइट। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, मुझे पूरा विश्वास है इस क्लास में जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बैठे होंगे सभी को जीवन में किसी न किसी से इश्क तो हुआ होगा, मोहब्बत तो हुआ होगा, प्यार तो हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लव, किसको किसको हुआ है कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताओ, किसको किसको हुआ है, राइट। जो आज झूठ बोलेगा उसके सपने में मोटे मोटे सांप आएंगे, राइट, है ना, निद्रा देवी सपने में मोटे मोटे सांप आएंगे, अजीब अजीब सपने आएंगे। पता है आपको, ये जो वर्ड जो आपका लव है, पता है, ये जो वर्ड आपका जो लव है, ये अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव है, राइट, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू नो हाउ, पता है, देखिए एल के अपोजिट ओ है, देखो एल के अपोजिट ओ है लव, और भी के अपोजिट ई है, देखो भी के अपोजिट ई है, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, क्या किसी ने ऐसे आज से पहले ऐसे थोड़ा सा भी सोचा था, ओ माय गॉड, लव एल के अपोजिट ओ के अपोजिट एल, भी के अपोजिट ई के अपोजिट भी, इज इट क्लियर, राइट। तो
ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा, आराम से आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, फेमस होते रहिए। अभी आपने देखो जैसे आई आर, आपको पता है आई आर, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी में प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पे एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, है या नहीं? किस किस ने इंटरनेशनल, किसको किसको इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा लगता है वो मुझे बताए, आई आर टॉपिक है। अगर नहीं है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, राइट, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपने इंडियन रेलवे में आपने सफ़र किया होगा, किया है सफ़र, इंडियन रेलवे में सफ़र किया है, तो आई आर का मतलब इंडियन रेलवे, आपसे इंडियन रेलवे आप समझ सकते हो, राइट, मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। इसी प्रकार आपको सारा का सारा चीज़ें इसमें, जी टी का मतलब हर कोई समझता है, जी टी रोड, पढ़े हो नहीं पढ़े हो हिस्ट्री में जी टी रोड, वैसे ही यहाँ पे सब कुछ मैं अभी आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। एच एस का मतलब हाई स्कूल, हनी सिंह तू आ जा मेरे क्लास में शाम को डेली कितने बजे, 4 बजे, मैं तुझे यूँ सिखाऊंगा लाइव सी सेट के कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, राइट, है ना। अभी मैं आपको इसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इससे पहले मुझे इसमें आपके साथ मुझे बात करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है, वो है आपका ये देखिए, अगर ये तो भाई साहब सीधा सीधा है, राइट, है ना, ये तो आपका सीधा सीधा है, राइट, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा काउंट करोगे, राइट। अगर आप उल्टा, अगर आप उल्टी गिनती करोगे उल्टी से, तो जेड की रैंकिंग 1 होगी, वाई का 2 होगा, इधर से अपोजिट से एक्स का 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, नोट डाउन कर लो अपने अपने कॉपी पे, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14, ये आपका 15 होगा, ये आपका 16 होगा, ये आपका 17 होगा, ये आपका 18 होगा, राइट, ये आपका 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, और ये आपका 26 होगा। इधर से करोगे तो ए सिंपल, उधर से आप आओगे तो उधर से ए की रैंकिंग 26 होगी, जेड की रैंकिंग 1 होगी। अब देखो ये बात क्लियर है, सभी लोग सेशंस को लाइक करते चले, शेयर करें। हेलो सर, निशा 2 दिन से क्लास चल रहा है, रीड कर ले तो फ्रेंड, वेरी गुड सर, आज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कोडिंग, हाँ कितना। देखो भाई चुपचाप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो टेलीग्राम में सी सैट बाय संजय कुमार सा, या नहीं तो सी सैट स्पेस पोर्टल, राइट, वहाँ पे ज्वाइन करके आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो। सभी लोग सेशंस को लाइक कर लो, है अच्छे तरीके से, राइट, है ना। क्लास की टाइमिंग 4 बजे आप मान के चलो, 3:45 या 4 बजे से आप हमेशा लाइव आ जाए, राइट, है ना, आराम से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो ये जेड है, अपोजिट लेटर को जब आप सम करोगे तो 27 आएगा, यहाँ भी करो 27 आ रहा है, यहाँ भी करोगे 27 आ रहा है, यहाँ भी करोगे 27 आ रहा है, यहाँ भी करोगे 20, हर एक जगह कहीं भी देख लो। इसको कहते हैं एक्चुअल पावर ऑफ लर्निंग, आराम से पढ़िए, राइट, है ना। अब देखो मैं आगे बढ़ूँ, आगे मूव करता हूँ, राइट, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी सवाल है, राइट, क्वेश्चन ये है कि सर ये हमारे दिमाग में कैसे फिट हो जाए, राइट, है ना। तो लव का मतलब बता दिया, LOVE, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, राइट, है ना, LOVE, लव वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला आपका हो गया, और कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया, राइट, है ना, लव। देखो ए और जेड आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको पता है, राइट, है ना। और एम का अगर 13 होता है तो एन का अगर 14, ये भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बी वाई, इसको आप याद रखिए, बॉय, एक ऐसा लड़का था जो इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहा था। कहाँ सफ़र कर रहा था सर? इंडियन रेलवे में सफ़र कर रहा था, साथ में IR पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? IR की बुक पढ़ रहा था, राइट, है ना, IR की बुक पढ़ रहा था, राइट, है ना। सामने देखा एक लड़की दिखाई दी। कौन दिखाई दी उसको? एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की क्या पहनी थी? कुर्ती और पजामी पहन के वो भी बैठी हुई थी, राइट। वो लड़का बार बार उसको देख के मुस्कुरा रहा था, साथ में क्रैक्स खा रहा था,
और डी डब्ल्यू का मतलब माउंटेन ड्यू पी रहा था, माउंटेन ड्यू भी पी रहा था, ये भी खा रहा था। और इतना ही नहीं, बच्चा इतना बेवकूफ़ था राइट कि घर वहाँ पे बैठे बैठे वो हनी सिंह का सॉन्ग सुन रहा था। किसकी सॉन्ग सुन रहा था? हनी सिंह की सॉन्ग सुन रहा था। सुनना भी उसकी लाजमी है, लड़की को देख के मुस्कुराना भी उसकी लाजमी है, क्योंकि वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, केवल और केवल वो हाई स्कूल ही पास था, क्योंकि उस लड़के के अंदर, उस लड़के के मन के अंदर, मन ही मन उस लड़के के मन में क्या चल रहा था? लव चल रहा था। क्या चल रहा था? लव जैसी फीलिंग आ रही थी। क्या जा रही थी? लव जैसी फीलिंग आ रही थी कि काश मुझे वो लड़की मिल जाए तो मैं भी अपने सपनों को कहीं और लेके चला जाऊं। ओके, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, हनी सिंह के सॉन्ग से उसको ट्रेनिंग मिल गया। यस यस यस, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर? यस या नो, है ना? फिर थोड़ी समय के बाद, है ना, इतनी बात क्लियर होगी राइट? कहाँ के वो लड़की को उससे लव हो गया राइट, है ना? फिर वो लोग कहाँ पे ट्रेन से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे भाई? जीटी रोड, आप ऐसा समझ सकते हैं, जीटी रोड होते हैं, ये लव भी हो गया भी गया। लेकिन बाद में पता चला वो लड़की तो उस लड़के के बातों में हाँ में हाँ तो कर लिया राइट, है ना? लेकिन वाकई में जो लड़का जो था, वो लड़का जो करेक्स पी रहा था, माउंटेन ड्यू करेक्स और माउंटेन ड्यू जो खा रहा था, उसमें कुछ और ही मिला था, क्योंकि वो लड़की लड़की नहीं थी। वो लड़की कौन थी? जेब कतरी थी। कौन थी? जेब, जेब फोर जेब, और के फोर जेब कतरी थी। वो क्या थी? जेब कतरी थी। ओ माय गॉड, यूएफ का मतलब उफ। क्या वो जेब कतरी थी? हाँ, वो जेब कतरी थी। समझ में आ रही बात? ओके, हाँ, जंगल क्वीन थी। वाओ, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ओके, पर जो बात समझ में आ रही है, वो लड़की कोई लड़की नहीं थी, वो लड़की तो थी लेकिन वो जेब कतरी थी, वो जंगल की क्वीन थी। बात समझ में आ रही है? इसको आप याद रखिए। आईआर, इंडियन रेलवे, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन, जेक्यू जंगल क्वीन या जेब क्यू राइट, केपीयू कमला पसंद भी कह सकते हो, कुर्ता पजामा भी कह सकते हो, एल ओ भी लव हो गया, यू आपका मतलब उफ, ऐसी आइसक्रीम खा के मुझे लगा उफ क्या ठंडी है राइट, है ना? बी यू आई क्रक्स राइट, सी एक्स को मतलब क्रक्स से भी याद रख सकते हो, सिक्स से भी याद रख सकते हो, सिक्स, जी टी रोड, एम एन राइट, एच एस हनी सिंह। यार, क्या आपको ये अपोजिट लेटर याद हुआ? अगर आप सभी को याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, SKS10 कोड का रिप्लाई करिए, मुझे भी अच्छा होगा। यस, हमारे सारे ढोको लोलो सबको ये सारी की सारी चीज़ें याद होगी। सैयद जुमरा, पीके, हाँ पीके मूवी से भी याद रख सकते हो। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। सर, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे आप? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड सर। इज इट क्लियर? यस। रूपा रानी, सोना कटरा राइट, है ना? सभी लोग देखो, आराम से अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, अच्छे तरीके से फॉलो करिए। ओके राइट, है ना? टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, रात को 10 बजे वाला सेशन ज़रूर देखिए। इसी प्रकार अगर मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसी क्लास को यहाँ भी मैं रेगुलर कंटिन्यू करता रहूँगा, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे प्यारे प्यारे महान ढोको लोलो। देखो, अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ राइट, है ना? अब मैं आपका थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं आपका? मैं देखो, पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बातें आपके भेजा में कितना घुसा है, बातें आपके दिमाग में कितनी है। पढ़ती तो पूरी दुनिया है यार, खुद से सुना, 8 से 10 लाख बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, UPSC एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है IAS बनना, IPS बनना। क्या आपको लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ते होंगे? भाई सब पढ़ रहे होंगे, कोई अपने घर छोड़ के कोई पटना में रह रहा होगा, कोई अपने घर छोड़ के कोई भुवनेश्वर में रह रहा होगा, कोई बेंगलोर में रह रहा होगा, हैदराबाद में, अलाहाबाद में, रांची में, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ का रह रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबको क्या बनना है? IAS बनना, IPS बनना है। तो सवाल ये नहीं है कि भाई सभी पढ़ेंगे सब IAS बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है, सिलेक्शन उसी का होगा जो चीज़ें उसके दिमाग में रहेगी, मेमोरी में, उसके दिमाग में वो चीज़ें फिक्स होगी राइट। इसलिए मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिपीट एंड रिवीजन।
रिपीट एंड इसलिए आप मेरी क्लास देखते होंगे, मैं बार बार क्यों रिवीजन कराता हूँ, रिपीट कराता हूँ, इसलिए इसका नतीजा तभी मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे ने इस बार भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। सीसैट में मैं उसको इतना रिपीट एंड रिवीजन करा दिया और इसी के मौके की वजह से मुझे ये क्लास अब इस चैनल पे लेने को भी मिला है फॉर द हिंदी मीडियम आपके लिए स्पेशली। इज इट क्लियर? यस या नो? सर मैं तो कहानी बनाता हूँ चैप्टर की आपके तरह। वेरी गुड। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ, सभी लोग सेशंस को लाइक करना प्रोग्राइट, तो इसलिए आपको रिपीट एंड रिवीजन करना चाहिए। देखो सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, एक बार मुझे बता। देखो एक बार और बताता हूँ, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ किसके पास न्यूज़पेपर आता है। जिसके पास न्यूज़पेपर आता है वो यस टाइप करे, जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं आता है वो नो टाइप करे, जिसके पास आता है यस, जिसके पास नहीं आता है नो टाइप करे। एक बार मैं देखना चाहता हूँ सभी को। हाँ, वेरी गुड। शायद आपसे पहले मैं मिल गया होता सर तो इस बार प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता। वेरी गुड, मुझे मैथ्स। हाँ देखो, नहीं, ये गलत बात है, पता है। देखो है, पता है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो अगर आप आईएएस भी बनना चाह रहे हो, राइट, है ना, तो कहीं ना कहीं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। देखो ये आज का द हिंदू है, राइट, 4 जुलाई है, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। आप लोगों के चक्कर में देखो, मैं तो हालांकि पढ़ता इसलिए पढ़ाता हूँ, आपको मैंने बताया था ना कि एनसीईआरटी मुझे आप लोगों को कराना है, राइट, है ना, और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए आईआईटी जितना हो सकेगा मैं इस बार आपके लिए मेहनत करूँगा, राइट, है ना। आप लोग जरूर पढ़ा करो मेरे पे, देखिए जरूर अच्छे तरीके से पढ़ा करो। देखो आप कुछ भी करो, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट क्यों न हो, वीडियो वाडियो देखने से अच्छा है वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से पढ़ने पे फोकस करो। तुम्हारे एग्ज़ाम में वीडियो नहीं जाएगा, पीडीएफ नहीं जाएगा, आपके एग्ज़ाम में आपकी ब्रेन की चीज़ें जाएगी। आप खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, राइट, है ना। मैं हमेशा देखो जस्ट देखो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू का आर्टिकल सारे, तो कितना अच्छा है। इन शॉर्ट बिटवीन द टर्निसिंग ऑफ पुतिन्स ऑरा ऑफ पावर, बहुत अच्छे आर्टिकल्स है। इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिका से नाटो प्लस बिट, राइट, कितना अच्छा। स्टॉक, ये तो चलिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अ न्यू चैप्टर इन एज ओल्ड सागा, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़, राइट। आप इसको कोशिश कीजिए, आप पढ़ाई का ट्राई कीजिए, राइट, है ना। क्लियरिंग द वाटर, बहुत अच्छा आर्टिकल सा है, राइट। मैं हमेशा कहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चे, भले ही आप हिंदी मीडियम से हैं, राइट, भले ही आप हिंदी मीडियम से हैं, मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था, राइट, आपके लिए कि आप सभी के लिए मैं फ्री में आपको मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी, सॉरी, फ्री में आप सभी को मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। कितने बच्चों को याद है? फ्री में इंग्लिश, ज़्यादा देर नहीं, केवल 30 मिनट्स इंग्लिश, केवल 30 मिनट्स इंग्लिश, राइट, 30 मिनट, केवल 20 दिनों में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि द हिंदू हो चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, कुछ भी मैगजीन, उसको आप रीड करोगे तो आप उसके 80% चीज़ों को आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। इतना तो मैं आपका थॉट प्रोसेस जरूर करूँगा, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि टेलीग्राम पर कनेक्ट रहिए, फोकस रहिए, अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट, है ना। द हिंदू, अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो ना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो ना, आप क्यों नहीं समझते हो ऑनलाइन। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी लोग, राइट, है ना, मुझे आप विपरीत अक्षर बताइएगा, राइट, है ना, विपरीत अक्षर बताइएगा, राइट है ना, अपोजिट लेटर बताइएगा, ठीक है, अपोजिट, राइट, जी का अपोजिट मुझे बताइए, ओ का अपोजिट मुझे बताइए, ई का अपोजिट मुझे बताइए, राइट, है ना, आर का अपोजिट मुझे बताइए, यू का अपोजिट मुझे बताइए, एम का अपोजिट मुझे बताइए, के का अपोजिट मुझे बताइए, फटाफट, कम ऑन सर, जितना जल्दी हो सके इंग्लिश का क्लास करा दें। दैनिक जागरण में हिंदी वाला भी आता है मेरे पास, मैं हिंदुस्तान भी पढ़ता हूँ, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तो मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, राइट, है ना, मेरा डेली का 3 घंटा 4 घंटा तो मेरा न्यूज़पेपर में ही जाता है मेरे प्यारे बच्चे, राइट, यही तो मेरी खासियत है जी इज इट क्लियर? राइट, इज इट क्लियर? आराम से। कसक वर्मा, सचिन गौदव,
श्रीकांत, विकास बुधियन, स्मृति सांध्या सर को इतना नॉलेज है फिर भी इतने सिंपल, नो एटीट्यूड, थैंक यू वेरी मच बच्चा, कोई बात नहीं। देखो पढ़ाने को तो सब कुछ पढ़ा सकते हैं लेकिन सब कुछ पढ़ाने से बेनिफिट नहीं होगा ना आपको, राइट है ना। फिर मैं आपका 100% एक चीज़ में नहीं दे पाऊँगा, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसलिए चीज़ों को डिवाइड करके, जैसे इंग्लिश में मैं आपको 20 से 25 घंटे अगर कुछ बता दूंगा तो मुझे लगता है कि आपका परेशानी दूर हो सकती है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अच्छे तरीके से कर लिया होगा, राइट है ना। अंजू महतो है ना, नेहा लवासना, राइट है ना, जिसके पास जियो का सिम है उसको डेली दैनिक मिंट और हिंदुस्तान पीडीएफ मिल सकता है, कैसे भाई? मेरे पास भी जियो का सिम है, मुझे भी बताना, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, राइट। अब देखो मैं आपका ब्रेन टेस्ट कर रहा, राइट है ना। अब आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसको कह सकते हैं, राइट या नहीं, तो आपका जो है ना, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अब आप ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे आपकी सन्नी भाभी लिखी, क्या लिखा, सन्नी SUNNY सन्नी भाभी, राइट। तो आपको पता है कि सर S की रैंकिंग 19 है, U की रैंकिंग 21 है, N की रैंकिंग 14 है, और Y की रैंकिंग कितनी है, 25 है। अब ध्यान से देखो, अभी नोट डाउन मत करो, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस भी बढ़ेगा, राइट है, राइट। कंसंट्रेशन, टेलीग्राम लिंक को सब लोग ज्वाइन कर लेना, राइट। हमें एजिट के आराम से समझिए, आराम से मेरी बात समझिए, हाँ देखो बेटा, राइट है ना। अब आप क्या करो, इन सभी लेटर को ऐड करो। देखो 19 + 21 40 + 14 + 14 68 + 25 राइट है ना, आई थिंक 93 आएगा 93। ये जो आपका 93 आया ना, इस 93 के सिंगल डिजिट को आप ऐड करो, 9 + 3 करोगे 12, फिर इस 12 को ऐड करो, 1 + 2 करोगे तो ये आपका 3। आप हमें इसका सिंगल डिजिट में बताना, ये मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, या आपको ये मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आपको फोकस के लिए बता रहा हूँ। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरी बात सबको समझ में आ रहा, राइट। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, सबको बात समझ में आ रही है। अभी मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करा रहा हूँ, राइट है ना, हाँ हाँ ओके यस नो, राइट है ना। जैसे आप देखो लक्ष्मी, LAXMI है, लक्ष्मी है, राइट, लक्ष्मी है। तो L की रैंकिंग कितनी होगी, 12, A की रैंकिंग कितनी होगी, 1, X का कितना होगा, XYZ 24, M का कितना होगा 13, I का कितना होगा 9। इसको आप ऐड करोगे राइट, तो 12 और 1 13 24 और 13 12 1 13 13 26 24 50 9 59 को ऐड करोगे, 5 + 9 करोगे 14 को ऐड करोगे, 1 + 4 करोगे 5, सिंगल डिजिट में। आराम से देखो, आराम से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको आप ध्यान से रखिएगा, राइट है ना। इससे भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा अच्छे तरीके, इससे भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा, राइट है ना। जैसे देखो SKS 10 है, राइट है ना। तो S का 19, K का 11, S का 19, राइट, 19 और 11, 30 + 9 39 को करोगे, 3 + 9 करोगे 12 में करोगे, 1 + 2 करोगे 3। आराम से देखिए मेरे प्यार बच्चे, आराम से देखिए। जैसे इसमें किसी बच्चे का नाम क्या है, फूल झा JHA झा, जे की रैंकिंग 10, एच की रैंकिंग 8, ए की रैंकिंग 1, तो इसको आप करोगे तो इसका सम कितना आएगा, सिंगल डिजिट कितना आएगा, आपका 1 आएगा, इसका सिंगल डिजिट कितना आएगा। किसी को बताना है, किसी को नेम का बताना है, अपने नेम का, भाई कुमार किसी को बताना है अपने नेम का, राइट है ना, किसी का बताना है, बताओ कि सॉल्व करवा देते सर, हाँ एजिट क्लियर। अब हाँ लक्ष्मी का 5, लक्ष्मी का करूँ, हाँ लक्ष्मी का तो 5 आ गया, और किसी का करवाना है, राइट, सैयद का SYED है। देखो अब देखो मैं कितना जल्दी कर लूँगा, SYED है। देखो S का आएगा आपका 19, A का आएगा 1, E का आएगा 5, D का आएगा 4, A का कितना आएगा 1। देखो इसका मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसका करोगे टोटल आपका 3 आएगा, इसका करोगे आप टोटल आपका कितना आएगा 5 आएगा। अरे Y का मैंने 1 कर दिया क्या, Y का तो 25 आएगा ना, सॉरी S का 19, Y का 25, E का 5, D का 4, A का 1, राइट है ना। देखो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, हाँ
चलो चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, राइट है ना। इसका कितना, इसका फाइव आएगा, इसका फाइव आएगा, हाँ फाइव आएगा, ठीक है, इसका फाइव आएगा, टोटल करोगे फाइव आएगा, राइट। एजिर के और किस, मेरा स्मृति किसका बताना, राइट है ना, अपराज, राइट, ओके, सभी लोग आप समझ में पा रही है, राइट, किसी का बताना है, राइट, विकास का बताना है, विकास का, इसको पहले नोट, ये अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एस के एस टेन, अगर सबको समझ में, बस केवल इतना है, इससे भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बड़ा जल्दी क्विकली बताओगे, राइट है ना, बड़ा जल्दी क्विकली बताओगे, राइट है ना। वाई का 25 कर दिया, अरे देखो यार फिर से वाई का मैंने 25 होगा, हाँ सही बात है, मैंने वाई का 20, वाई का मैं यू समझ लिया था, राइट है ना। अब देखो बताता हूँ, सॉरी, चल नौ नौ कैंसिल, 5 2 7 1 8 जीरो आएगा, तब इसका जीरो आएगा, जीरो या नहीं तो नाइन, जीरो या नाइन, जीरो और नाइन का मतलब एक ही होता है, जीरो और नाइन का मतलब एक ही होता है बेटा सैयद जुमरा, जीरो और नाइन का मतलब एक ही होता है, जीरो और नाइन का मतलब एक ही होता है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इसको आप इतना टाइम मत लगाना, इतना टाइम मत लगाना, ठीक है, इतना टाइम मत लगाना, ठीक है, देखो कैसे एग्जाम लेवल का हमें पढ़ना, आप इसको थोड़ा फास्ट करना, राइट, आप इसको थोड़ा फास्ट करना, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, जो एसएसएम फंडा है इस टाइप के चीज़ों के लिए, एसएसएम फंडा ये कहता है जिसका भी अगर किसी भी चीज़ों का अगर आपका योग अगर नाइन आए या जीरो आए तो आप उसको भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ, नाइन या जीरो आए तो आप भूल जाना, नाइन या जीरो आए तो आप उसको भूल जाना, सचिन देखो जैसे ये नाइन आया भूल गया है ना, देखो 2 1 3 4 7 1 8 और 1 9, 2 1 3 1 4 4 8 1 9 भूल गया, 4 और ये 1 5, देखो देखो 5 2 7, देखो 1 4 5 2 7 और 5 12 12 का क्या कितना है आपका 13 आया, ठीक है, देखो 9 जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ भूल जाना, ये 9 आ गया भूल जाओ, ठीक है ना, 4 2 6 और 3 9 यही पढ़िए, 3 1 4 और 1 5, देखो ये 5 आ गया, आ गया जहाँ भी 9 देखे, ये 9 भूल जाओ, ये वाला 9 भूल जाओ, 1 2 3 4, देखो इसमें मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, SKS19, ये भी 9 भूल गया, 1 2 3 4 2 3 4, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा, इसका 4 होगा यहाँ पे, इसका 4 होगा, राइट है ना, इसका 4 होगा, राइट है ना, इसका 4 होगा, देखो 19 11 30 19 30 10 40 9 49, मैंने बोला ना 49, 9 और 4 13, 1 + 3 4 आया, देखा 4 आया, इसका 4 आया, राइट है ना, राइट है ना। हो गया, ये क्या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या, हाँ 9 को ऐड नहीं करना, राइट, 9 को ऐड नहीं करना, 9 को आपको भूल जाना है, ठीक है, 9 को जो है ना आपको भूल जाना है, भूलना तो चान, इज इट क्लियर, राइट, जैसे झा में देखो 8 + 1 9 भूल गया तो ये 1 आया, मेरी बात समझ में, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे आप बताओ मैं आपका किसका किसका नेम का बताऊँ, राइट है ना, अब आप मुझे बताइए, आप सभी लोग मुझे बताइए, मैं किसका किसका नेम का बताइए, राइट है ना, मैं किसका किसका नेम का बताऊँ, ये आप मुझे बताइए, ये आप मुझे बताओ, मैं किसका किसका नाम का बताऊँ, बताओ, इज इट क्लियर, हैरी, सचिन, देखो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये लो मैं हैरी का बताता हूँ, HARRY, देखो H का करोगे तो 8 आएगा, A का करोगे 1, इसको भूल जाओ, राइट, इसको देखो R का 18, इसको भी भूल जाओ, R का 18, इसको भी भूल जाओ, Y का 25, इसका 7 आएगा, लो हैरी का आपका 7 आएगा, राइट, हैरी का टोटल 7 आएगा, और किसी का बताऊँ, बुसरा, BUSHRA, देखो BUSHRA, तो H का 18 भूल ही जाओ, R सॉरी H का और A का भूल जाओ, R का भी भूल जाओ, राइट है ना, देखो S का 19 हो रहा है, देखो B का कितना आएगा 2, U का कितना आएगा, U का 21 और S का कितना आएगा 19, तो 19 का भूल जाओ, तो 2 2 4 और 2 कितना आएगा, इसका 6 आएगा, आप करो, इसका कितना आएगा 6 आएगा, आप करके देखो, आप करके देखो, और किसी का बताना है, सोना, सोना का बताऊं बेटा, सोना देखो SONA, राइट है ना, S का 19 और देखो S का कितना आएगा 19, O का कितना आएगा 15, N का कितना आएगा 14 और A का कितना आएगा 1, तो 4,
ए का वन आएगा, राइट, है ना। अब देखो ये वाला नाइन भूल जाओ, पाँच और ये चार भूल जाओ, तो एक दो तीन चार आपका कितना आएगा टोटल, लास्ट डिजिट का सम आपका फोर आएगा। विवेक का बताऊँ, हाँ विवेक का बताऊँ, वी आई वी ई के, विवेक का देखो आई नो यू, यू के बाद भी आता है तो 22 आ गया, आई का नाइन, आई का तो भूल ही जाओ, राइट, है ना। किंग्स का 11, वी का 22, राइट, है ना। ई का आपका 5 आएगा, ई का 5 आएगा, वी का कितना आएगा 22, तो 9 को भूल जाओ, दो दो चार और पाँच नौ, इसको भूल जाओ, राइट, एक एक दो दो चार और दो छः, इसका 6 आएगा, इसका 6 आएगा, ओके। और किसी को, और किसी को बताना है, मनीषा, मनीषा बेटा आप करके भी देखो ना, आप करके भी देखो, आप करके, इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी, राइट, है ना, ये न्यूमरोलॉजी। मनीषा देखो एच और एच का 8 और ए का 1, तो ये तो आपका एच और ए तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, राइट, ये आपका ऐसे ही कट जाएगा, राइट, है ना, ऐसे ही कट जाएगा, राइट, है ना। और देखो एम का कितना है 13, एम का कितना है 13, ए का कितना है 1, 14 और एन का 14 है, राइट, तो 14 प्लस 1 15 हो गया। आई का 9 तो ऐसे ही कैंसिल कर दो, एस का 19, एस का कितना आएगा आपका 19, ए का कितना आएगा 1, एन का कितना आएगा 14, एम का कितना आएगा 13, राइट, तो भाई सब ये 9 ऐसे ही कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 2 9 कैंसिल, 1 और 1 इसका करोगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। लो, और किसी को कुछ पूछना है, राइट, ओके, इज इट क्लियर। अब आप अपना अपना करके बताओ, अब मुझे आप अपना अपना करके बताओ, मैं आपका चेक करूंगा, ठीक है ना। अब मैं अपना अपना करके बताओ, आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ वो बताओ, राइट, है ना, जो मैं दे रहा हूँ आप मुझे वो बताओ, राइट, है ना। सी सैट का मुझे बताओ, सी सैट का मुझे बताओ, राइट, है ना। आई आई टी का मुझे बताओ, राइट, है ना, आई आई टी का मुझे बताओ, राइट, है ना। आप मुझे हिंदू का बताओ, एच आई एन डी यू, हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू का बताओ, राइट। आप मुझे अन अकेडमी का बताओ, अन अकेडमी का बताओ, अन अकेडमी का बताओ, राइट, आराम से बताओ, आराम से, आराम से बताओ, आराम से। श्रुति का बताओ, एस एच आर यू टी आई का बताओ बेटा, ये लो, ये लो श्रुति, एस एच आर यू टी आई, राइट, श्रुति। तो एच का तो आपका 8 हो गया, आई का 9 कैंसिल, टी का कितना आएगा आपका 20, आर का 18 ये भी कैंसिल, यू का कितना आएगा 21, एच का कितना आएगा 8, एस का कितना होगा 19, तो 8 प्लस 1 9 कैंसिल, राइट, है ना, 9 कैंसिल, 2 1 3 और 2 5 हो गया बेटा, श्रुति आपका 5 आएगा, श्रुति आपका 5 आएगा। सी सैट का 7 आ रहा है, आराम से करो, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आराम से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ध्यान रखना जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है। जो आदमी जितना पढ़ेगा जितना सीखेगा वह आदमी उतना आगे बढ़ेगा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी परेशान नहीं होता, राइट। अगर आप मेहनत करोगे तो हमेशा आपको लक्ष्मी भी मिलेगी, जिसके पास लक्ष्मी आएगी उसके पास सारे भगवान आएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, राइट, है ना। आई एम अ संस्कारी छोड़ा, देखो अजय कुमार कह रहा है आई एम अ संस्कारी छोड़ा। अब देखो मैं आपको यूपीएससी के एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ओके। अब देखो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको लगता होगा ना कि सर आप मुझे क्या करा दिए, है ना भाई साहब, हम कुछ नहीं कराए हैं ना, हम आपको टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो बहुत सारे बच्चे जो थे ना कन्फ्यूज हो गए थे, राइट, है ना, बहुत सारे बच्चे जो थे ना कन्फ्यूज हो गए थे कि सर हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक सेकंड रुको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चंस देखो, मान लिया आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, ये देखो, जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चंस देखो, अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो सब लोग क्वेश्चन, क्वेश्चंस देखो, ये देखो क्वेश्चन विजिबल हो रहा है आप सभी को,
देखो क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है, आराम से देखो, आराम से देखो, है ना। देखो ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक का क्रमशः क्रमांकित है। देखो जी एच आई को लिखा गया 1578, 99 वाले को कैंसिल कर दो, डी ई एफ को पूछा गया 9123, 91 वाले को भूल जाओ। तो ए बी सी किसके बराबर है, आराम से सोचो बेटा, क्वेश्चंस को लिखो, राइट, है ना, क्वेश्चंस को लिखो अभय कुमार, राइट, है ना। इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट कीजिए, राइट। जी एच ए को, जी एच आई को इस तरीके से लिखा, डी एफ को यह लिखा, ए बी सी को क्या लिखोगे, ऑप्शन में दिया हुआ है, आराम से देखो, रगड़ देना है इस बार सभी को, ओके। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा मेरा रेफरल कोड SKS10 कोड का यूजर। मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी से किसी को भी कॉल आता है, आप इस कोड को यूज करिए, आप डायरेक्टली मेरे से पहले बात करिए, मैं कहता हूँ एजुकेटर से डायरेक्ट पहले बात करिए, आपकी बात हो रही कि नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो कि एडमिशन लेने के बाद आपकी बात हो, पहले एक बार बात करके देख लो, तसल्ली कर लो, उसके बाद आप एडमिशन लेना, और मेरे साथ सभी एजुकेटर की क्लासेस को एक्सेस करोगे, सभी टॉप एजुकेटर पे, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ही क्लास को सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, सभी टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, जो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चंस का बताओ सर, क्लास अब थोड़ी देर में ओवर होने वाला है, थोड़ी देर में। देखो जी, देखो जी एच आई को 1578 लिखा है, ध्यान से देखिए, डी ई एफ को 912 लिखा है, रैंकिंग लिखो ना, फिर आप चेक करो ए बी सी को क्या लिखा है, राइट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है जी का 7 है, एच का 8 है और आई का 9 है, राइट। अब देखो ध्यान से, ये वाला 9 कैंसिल और 8 प्लस 1 9 कैंसिल, 7 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा, 15, 15 का मतलब इसका 6 आएगा, 1 प्लस 5 करोगे, सॉरी 5 प्लस 7 करोगे 12, ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये जो है ये इसका क्या है, डबल है, डबल है। डी का करोगे 4, ई का करोगे 5, एच एफ का करोगे 6, 4 प्लस 5 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 प्लस 1 3, ये क्या है, ये इसका डबल है। ध्यान से देखो, कुछ लॉजिक देख पा रहे हो, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को मैं आपको बताऊंगा, बता रहा हूं, ठीक है ना, कि कैसे आप सोच सकते हो। इज इट क्लियर? यस या नो? राइट, यस या नो? राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? राइट, मेरी बात ध्यान रखिएगा, रहे इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आप देखो ए बी सी का, ए का है 1, बी का है 2, ये है 3, तो 3 2 5 प्लस 1 6, जब इधर 6 है इसका मतलब क्या होगा, इधर 3 होगा भाई, जब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। आप चेक करो कहाँ कहाँ 3 है, देखो ये 9 कैंसिल, 4 प्लस 2 6, ये होगा नहीं। देखो 4 प्लस 6 कितना आएगा, 10, 10 प्लस 8 करोगे 18, ये 9, ये भी नहीं होएगा, 9 आ गया क्योंकि हमें 3 चाहिए। 2 प्लस 6 करोगे कितना, 8 प्लस 2 करोगे, 2 प्लस 8 प्लस 2 10, ये भी नहीं आएगा आंसर, केवल डी आएगा, इसका 9 आएगा। देखो 6 4 10 और 2 12, 12 का करोगे 3, आंसर आपका डी आएगा। आंसर क्या आएगा, आपका डी आएगा। आई बात समझ में? राइट, तो अभी तो मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि आप ऐसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोच सकते हो, राइट, है ना, है ना, अच्छे तरीके। या तो एक और ट्रिक लगा, देखो 7 8 9, ये क्या है, अब देखो एक और ट्रिक, एक और फंडा आप सोच सकते हो। तो अभी टेंशन नहीं लो, जिसको नहीं आता टेंशन मैं कराऊंगा। ये इसका कितना 2 टाइम्स है, ये इसका क्या है, इसका 2 टाइम्स है, इसका 123 का 2 टाइम्स करो कितना आएगा, 246 आएगा। देखो ये 246 आ गया, यानी कई तरीके से हम सोच सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? राइट, इज इट क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? राइट, बात समझ में सबको आ रही है? राइट, आपको टेंशन नहीं लेना, राइट, है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में नहीं समझ में आ रहा था, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है तो इसको भी आप कर सकते हो। तो कल वाली क्लास में मैं आपको और डिटेल में कराऊंगा, राइट, है ना। कल मैं, आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, राइट, है ना, आज मैंने आपको क्या कराया, आज मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट कराया, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को देख करके अच्छे तरीके से देख सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। फिर कोशिश करिए, क्योंकि दिस इज़ द रीजनिंग सेशन बाय मी,
राइट है ना, विद द एसएसएम फंडा, कैसा लगा आपको फंडा, राइट। इफ यू वांट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इन रीजनिंग देन मस्ट अटेंड ओनली एंड ओनली लाइव सेशन एट 3:45 PM। आपको हमेशा लाइव क्लास ही देखना है, राइट है ना। इज इट क्लियर है ना। सर क्लास कितने बजे होती है? रात को 10 बजे मिलिएगा, टेलीग्राम लिंक को कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कौन कौन आज शेयर करेगा, राइट। एक बार दो बार आप और देखना, नोट्स जरूर बना लेना, सेशंस को सभी लोग गुरुदक्षिणा के तौर पे बस केवल आप शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर लीजिए, राइट। अनअकैडमी के ऐप पे आप क्या कर लीजिए, मुझे मेरे प्यारे बच्चे आप फॉलो कर लीजिए और कनेक्टिविटी करके अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। फालतू का टाइम देने से अच्छा है कि टेक्स्ट बुक पे खुद से ज़्यादा टाइम दो, रिवीजन करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक बात है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत गलत बात है, ये ध्यान रखना, राइट। क्योंकि फालतू की वीडियो को देखने से अच्छा है कि कुछ कंटेंट हो तो बेनिफिट है, राइट, जो आपके थॉट प्रोसेस, आपके लर्निंग में आपको बेनिफिट हो, राइट। ओके, इज इट क्लियर, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी। कैसा लगा सेशन आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, और ये जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिया था, राइट है ना, ये जो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, कमेंट सेक्शन, राइट। मैं आपके कमेंट सेक्शन में दे दूं, मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा, राइट है ना, मैं आपके आंसर्स को भी चेक करूंगा, ठीक है। और सभी लोग प्लीज शेयर को, सेशन को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो सब, राइट। बट दिस इज द पावर रेफरल कोड SKS10 कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। था टेलीग्राम पे भेज दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, हम पांडे, मैं ठीक हूँ, ठीक है, आराम से पढ़ो।